गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 8 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रश्न नंबर रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर आते कहाँ से और इधर क्यों जाते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको तीन चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। वो होता है पहला होल नंबर, दूसरा नेचुरल नंबर, तीसरा इंटीजर, और उसके बाद आता है डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने स्टैंडर्ड 6 और 7 में पढ़ी है, लेकिन फिर भी रिवीजन कराने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला है नेचुरल नंबर। ठीक है, पहला से कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है ये 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाएगा अब तो इतना। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ 1 और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था नेचुरल नंबर का बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद सेकेंड हाफ में आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कैसे, होल नंबर नेचुरल नंबर जिस तरह से स्टार्ट हुआ 1 से, उसी तरह से होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से 0, उसके बाद आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और अब तो फाइनल, यानी अनफाइनल। जहाँ तक आप जा सको अच्छी कहने से भी हो उसको बोलते हैं इनफाइनल। ठीक, तो ये होता है होल नंबर। अब इसमें तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 था क्यों, क्योंकि हमने इसे 1 से स्टार्ट किया और लार्जेस्ट नंबर था इनफाइनल, क्योंकि ये कभी खत्म होता है। उसी तरह से अगर मैं होल नंबर की बात करूँ, तो होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा सर, होल नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर में ये कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसका क्या माना जाएगा 0 और लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यानी ये खत्म कहाँ होता है, तो कहाँ खत्म होता है डिग्री जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है लार्जेस्ट होल नंबर और ये स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, इतना हुआ। और हर चीज आती है इंटीजर्स, हर चीज है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स दो टाइप के होता है। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को जब कंपेयर करते हैं तो उसमें नेचुरल नंबर होल नंबर और उसके बाद आता है इंटीजर, तो वो कैसे होता है। तो इंटीजर्स की बात करें अगर, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर भी हम एक टेबल बना लेते हैं। इसके अंदर मिडल 0 रिप्रेजेंट किया। अब राइट हैंड साइड यानी तुम्हारे राइट हैंड साइड जो नंबर्स आएंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी
लेफ्ट एंड साइड जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं -1, -2, -3, -4. ठीक है सर, तो आप इसके अंदर ये सेम लोकेशन सर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर्स एंड व्हाट इज लार्जेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया इंडियन रूल के हिसाब से आप जो लिखना स्टार्ट करते हो कहां से स्टार्ट करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड साइड में जाते हो, तो यहां पर भी यहां से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और राइट हैंड साइड में जाएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इस लाइन में सिर्फ 4 रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब जो लार्ज स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो -4 सिर्फ इस बेस पे होगा, अदरवाइज ये जो स्टार्ट होगा वो माइनस सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट होगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी हमें कुछ पता है नहीं, तो इसलिए बताया जाएगा कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो होगा -1 और जो लार्जेस्ट होगा यानी होल नंबर, तो होल नंबर कहाँ खत्म होता है तो हम देखेंगे होल नंबर का लार्जेस्ट इंटीजर क्या है इनफाइनाइट, तो उसका लार्जेस्ट इंटीजर क्या आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट इंटीजर और ये लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक, अब जो थर्ड पॉइंट यानी हमारा होल नंबर हमने देख लिया, नेचुरल नंबर हमने देख लिया, इंटीजर हमने देख लिया, अब आएगा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ सिखाने वाला हूँ। यहां पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं हमारा 0, उसके बाद 1, 2, 3। ये तो हमने होल नंबर रिप्रेजेंट किया सबसे पहले, ये नेचुरल नंबर होल नंबर। अब उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, ये हमने नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसमें रैशनल नंबर काम से आया। तो रैशनल नंबर वो चीज है जो ना ही इंटीजर से आती है, ना होल नंबर में आती है, ना नेचुरल नंबर में आती है। ठीक है।